परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है। हम आपको आज 7 धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे जहां महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। स्त्री पुरुष समानता की जोर शोर से बात करने वाले हम भारतीयों का इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारे भारत में स्त्री पुरुषों में भेदभाव धार्मिक स्थलों पर भी होता है। प्रत्येक इंसान उस भगवान की संतान है, फिर भी हमारे देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर स्त्रियों के प्रवेश पर पाबंदी है। पहला है पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुअनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थल है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता यह है कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। फिर है सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर केरल में। सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर केरल के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। अयप्पा मंदिर में देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस मंदिर के भीतर 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश वर्जित है। फिर कार्तिकेय मंदिर पुष्कर जो राजस्थान में है। राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल पुष्कर शहर वैसे तो ब्रह्मा जी के नाम एकमात्र मंदिर है, लेकिन यहाँ का कार्तिकेय मंदिर भी बहुत दर्शनीय है। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। फिर मुक्तगिरी जैन मंदिर जो मध्य प्रदेश में, मुक्तगिरी तीर्थ मध्य प्रदेश राज्य के गुना शहर में स्थित है। यह जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में कोई भी महिला पाश्चात्य परिधान पहनकर प्रवेश नहीं कर सकती। मंदिर परिसर में ऐसे पहनावों पर पूर्ण प्रतिबंध है। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ये दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है। इस दरगाह में औरतों का प्रवेश निषिद्ध है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। कहा जाता है कि 1303 में इनके कहने पर मुगल सेना ने हमला रोक दिया। इस प्रकार ये सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए। फिर है जामा मस्जिद दिल्ली। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद में से एक जामा मस्जिद भी सूर्यास्त के बाद महिलाओं का प्रवेश बंद कर देता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।